ये एक भीतर की बात है कि उसके अंतस में वो राक्षसी अथवा दानवी अथवा दैत्य प्रकृति छुपी हुई थी। मनी मन में एक भावना तो थी, एक बार मैं इंद्र बन जाऊं, एक बार स्वर्ग पर मेरा शासन तो हो जाए, फिर इन सबको अपना दास बनाऊंगा। जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, जयी हैं, महान हैं, पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, ये सारी देव सत्ता मेरी अनुचर होगी, ये सब देव मेरे दास होंगे, इन सबको मैं चाकर बनाऊंगा। जो बहुत अधिक हेकड़ी रखती है ये इंद्राणी सची और सुरबालाएं अप्सराएं तुलोत्तमा और ये उर्वशी रंभा मेनका मेरे आंगन की बुहारी लगाएंगी, इन्हें नौकरानियां बनाऊंगा। ये गलत बात है ना, क्या महान लोगों को ऐसा करें? इस अधम सुख कहेंगे कि ज्येष्ठों से प्रणाम करवाएंगे। अरे किस बात का बड़प्पन है कि पिता आपको प्रणाम करें? आप ये चाहेंगे, आप इसलिए बड़ा होना चाहते हैं कि पिता आपको प्रणाम करें, माता पिता आपके पैर छुएं, जय जयकार करें, प्रशंसा करें, आपके मंगल गीत गाएं, आपकी चाकरी करें, आपके अनुचर दास बनकर अथवा आपके सेवक बनकर आपकी सेवा चर्या सपरिया करें और नित्य नित्य आपकी वंदना करें और आपकी महानता के गीत गाएं? अच्छी बात नहीं? इतने बड़े मत बन जाना कि आपके बड़प्पन को देखकर मां आपको प्रणाम करे। अरे को बड़े से बड़े लोग भी जब अपने घर लौटते हैं तो अपने माता पिता के चरण छूते हैं। वो उच्च तम न्यायालय का बैठा न्यायाधीश हो अथवा वो पंत प्रधान या वो बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, अपनी मां के पैर छूता है जाकर। वो आप इतने बड़े कैसे हो गए? याद आती है जब जब घर की, इस देश के शासक को जब भी घर लौटता है ये समाचार सुनने को मिलता है कि मां के पैर छू रहा है। वो मत भूल जाना, उनके अधिकार रहने दो। और बड़े और बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान स्वाभिमान, उनके अधिकार, उनका एक ही तो अधिकार है कि वो आपको उपदेश दें, वो भी छीन लोगे? आप उपदेशक नहीं होना चाहेंगे? उनसे नियंत्रित नहीं होना चाहेंगे? अब वो आपको निर्देशित करते रहें, वो आपको डायरेक्शन देते रहें कि ये है ऐसे जाना, ऐसे जाना है।